नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी वनकारी में। फिर से हाजिर होकर नई जानकारी के साथ चौकी लगाने का सिद्ध शावर मंत्र। चौकी पर बंधन लगे हैं, किसी व्यक्ति की सवारी नहीं खुल रही है, सवारी खुल जाएगी। यह मंत्र जो है किसी भी प्रकार का बंधन तोड़ के आपके ऊपर सवारी चढ़ा देगा। दूसरी बात, कोई भी साधना सिद्धि जब आप करते हो, कोई भी मंत्र का अनुष्ठान आप करते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, गुरु का होना अति अनिवार्य है। अगर गुरु नहीं है तो आप लोगों के मंत्र जो है वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं करते हैं। तो कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं जो भी ज्ञान जहाँ पे दूँ वो पूर्ण रूप से गुरु कृपा दृष्टि में ही आप लोग करो। 9891952570 मेरा नंबर है। यहाँ तक फ्री में गाइड करता हूँ, फ्री में करता हूँ। यहाँ भोग प्रसाद रहता है, वहाँ पर भोग प्रसाद ही लगता है। रुद्राक्ष की माला के ऊपर ही साधना करनी है, 1.25 महीने जाप करना है। अब सुन लो क्या मंत्र है। मंत्र है सत्य नमोदेश गुरुजी कथ शोम। गुरुजी सत्य का मंत्र, सत्य का शब्द, सत्य है नाम, सत्य के गुरु, पूर्ण वह काज। ओम सोन निर्मल मन शुद्ध हो काया, रक्षा करे श्री शंभु यति गुरु गोष्णनाथ बाला। यह मंत्र गुरु बताया, सतगुरु शब्द सुरति चेला, पठनते गुणनते मोक्ष फल पाया। इतना गुरु मंत्र जाप संपूर्ण भाई श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश। पहले तो ये मंत्र पढ़ना है आपने 7 टाइम। अब 7 टाइम पढ़ने के बाद आपको जो आगे मंत्र बताया जाएगा उस मंत्र का आपने पालन करना, उस मंत्र का आपने जप करना। सत नमोदेश गुरु जी का देश। ओम गुरु जी सो इली क्लीब श्री सुंदरी वाला स्तुपदेश। ओम चेतन जोगी ज्ञान का अवहाद, नाद मुद्रा में लियो ओमकार। श्रृंगार सिल्ली संगी मेखली भूरी बाबरी काया, झरमर दस्तक गुरफार। मिल खाक रहे रहना दिल कर पाक, समझ विचार अंधेरा तोड़ चानन। किया आंगन आंगन में सतगुरु मिले, मन की ब्रह्मा दाई मिटा। गोदावरी क्षेत्र पर बैठकर श्री शंभु यति गुरु गोक्षनाथ जी ने अपने स्वरूप का धर्या ध्यान श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश। इस मंत्र से किसी भी व्यक्ति की चौकी सवारी खुल जाती है, क्योंकि यह मंत्र जो है वह नाग संपदा के मंत्र है। इसमें गुरु गोक्षनाथ महाराज का स्वयं स्वरूप आपके ऊपर चढ़ने लगता है। जो व्यक्ति चौकी लगाने के इच्छुक है, जो व्यक्ति सवारी लेने के इच्छुक है, उन लोगों के ऊपर ये मंत्र कारगर सिद्ध होगा। लेकिन कोई भी मंत्र का अनुष्ठान, किसी भी साधना का अनुष्ठान योग्य गुरु के सानिध्य में होता है। जो पहला मंत्र बताया है उसका आपने 27 बार जाप करना, जो दूसरा मंत्र बताया उसका 108 बार पठन करना दिन में एक बार। 41 दिन की क्रिया है, 41 दिनों में ही 75 अनुभव आप लोगों को होने लग जाते हैं। धोने के समक्ष बैठकर करें, रुद्राक्ष की माला, भगवा चोला पहनकर, भगवे रंग के आसन या कंबल के आसन के ऊपर मंत्र का अनुष्ठान करना। ब्रह्मचार्य का पालन, जल का पात्र जरूर साथ रखें। शुद्धिकरण का खास तौर पर ध्यान रखें, हो सके तो साधना ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र का उच्चारण करें। बाकी इस मंत्र का पूर्ण रूप से विवरण मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। नहीं समझ आता 9891952570 इसी नंबर पर आप लोग कंसल्ट कर सकते हो। जहाँ तक मैं फ्री में गाइड करता हूँ, फ्री में करता हूँ, जहाँ पर भोग प्रसाद देता हूँ आप सभी लोगों को रहता है। और गुरु गोखना चैनल को सब्सक्राइब करना। याद रखना, कोई व्यक्ति बोलता है मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, किसी के अकाउंट में मत डालना, डायरेक्टली मेरे नंबर पर ही मेरे साथ बातचीत करना आदेश।